बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर आफ्ताब अकरम एंड आई एम करंटली वर्किंग एज लेक्चर एंड डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आई एम हेयर विद यू विद द लेक्चर नंबर 27 ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स। एंड दिस लेक्चर इज़ एक्चुअली पार्ट 3 ऑफ आवर सॉर्टिंग एल्गोरिथम सीरीज, इन विच वी आर डिस्कसिंग सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स which are used to sort items in data structures like arrays or lists. तो थोड़ा सा जो हम अगर रिकैप करें कि लास्ट टू लेक्चर में जो है वो हमने सबसे पहले हमने कुछ एल्गोरिथम डिस्कस किए थे बेसिकली, जिसकी जो हमने उनको कहा था कि दे आर थीटा ऑफ एन स्क्वायर, उनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉमन, उनका जो रनिंग टाइम है वो एन स्क्वायर होता है। तो हमने कहा था कि ये एल्गोरिथम्स हैं, हम इनको इतना अच्छा कंसीडर नहीं करते बिकॉज इनका रनिंग टाइम जो काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद हमने कुछ एल्गोरिथम डिस्कस किए थे कि जिनका रनिंग टाइम इनसे जो है वो बेहतर था, एन स्क्वायर से बेहतर था। तो आज हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो है वो हम दो और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, हीप सॉर्ट और बिन एंड रेडिक्स सॉर्ट। तो इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगन। हीप सॉर्ट एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द हीप डाटा स्ट्रक्चर, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और हीप जो बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर है ये ट्री पे, जो हमारा बाइनरी ट्री है उस पे जो है बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर उस पे जो है वो बेस करता है। तो इसमें क्या है कि द एसिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस ऑफ हीप सॉर्ट इज थीटा ऑफ एन लॉग एन इन द बेस्ट वर्स्ट एंड बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केसेस। तो हमने ये चीज़ एक चीज़ हमने जो है वो डिस्कस मेंशन की हुई है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे बेहतर जो है वो नहीं हो सकती। तो इससे अगर कोई बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि एल्गोरिथम है तो उसका जो रनिंग टाइम है दैट शुड बी लीनियर। और अगर इससे कोई वर्स्ट हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि उसका जो रनिंग टाइम है वो क्वाड्रेटिक हो। सो फार दिस इज़ द बेस्ट वन। तो दिस जो भी एल्गोरिथम्स हैं जिनका जो रनिंग टाइम है वो एन लॉग एन है, दे आर कंसिडर्ड वेरी गुड एल्गोरिथम्स। तो इसी तरह से हीप सॉर्ट जो है ये भी अच्छा एल्गोरिथम जो है कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम्स कि जिनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो क्वाड्रेटिक होती है। अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन मैक्स से हीप से इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमने कहा था कि जो हीप्स हैं वो दो तरह की होती है, मैक्स हीप और मिन हीप। तो मैक्स हीप में क्या होता है कि जो पेरेंट जो हमारे पास नोड होती है इसकी जो वैल्यू है वो अपने जो चाइल्ड्रन हैं इन दोनों से या उसके बराबर होती है या उनसे ज़्यादा होती है, तो उसको जो है वो हम मैक्स हीप कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी थ्रू आउट द हीप या थ्रू आउट द ट्री जो है ये मेंटेन की जाती है। कोई भी अगर आप पेरेंट कोई भी नोड लेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी उसके जो चिल्ड्रन है वो उनसे ज़्यादा होगी या बराबर होगी या ज़्यादा होगी। फर्स्ट वी यूज हीप बिल्डिंग एल्गोरिथम टू कन्वर्ट द एरे इनटू मैक्स हीप ऑर्डर। तो इसको हम एग्जीक्यूट इस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास जो भी इनपुट डाटा होगा तो सबसे पहले हम उसको मैक्स हीप ऑर्डर पे कन्वर्ट करेंगे और देन वी रिपीटेडली रिमूव द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप रिस्टोरिंग द हीप प्रॉपर्टी ईच टाइम दैट वी डू अनटिल द हीप इज़ एम्प्टी। तो उसके बाद हम उनसे एक एक करके वैल्यू जो है वो हमसे रिमूव करते जाएंगे और उसको दोबारा अरे में जो है वो हम उसको पुट करते जाएंगे। इस तरह से जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगी इस टाइम वो रिमूव द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द हीप इट इज़ प्लेस एट द एंड ऑफ द एरे। तो इस तरह से हमें जो अरे मिलेगी, क्योंकि हम इसमें अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो अरे होगी ये लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट होगी, यानी कि ये जीरोथ इंडेक्स है एंड दिस इज़ द लास्ट इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स विच इज़ एन माइनस वन। तो जीरो इंडेक्स पर जो है वो लोएस्ट वैल्यू होगी और जो हाईएस्ट ये इंडेक्स होगा इस पर हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिसकी की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो हम ये करेंगे कि हीप से जो हीप से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें पता चल जाएगी, हम उसको अरे के एंड पे जो है वो पुट करते जाएंगे। और इस तरह से जब हम तमाम वैल्यूज़ को इनपुट कर लेंगे और हीप में से सब वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी तो इन द एंड जो है वो हमें एक सॉर्टेड अरे मिलेगी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़।
assume that n elements are stored in array position 0 through n minus 1. तो हमें ये पता है कि जो array में indexes होते हैं, they are always from 0 to n minus 1. After removing the maximum value from the heap and readjusting, the maximum value will now be in place in the position of n minus 1 of the array. यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आखिरी अरे की आखिरी लोकेशन पे जो है वो होगी. द हीप इज़ नाउ कंसीडर टू बी साइज ऑफ एन माइनस वन एंड रिमूविंग द नाउ द मैक्सिमम रूट वैल्यू प्लेसेस द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इन द पोजीशन एन माइनस टू ऑफ द अरे. तो फिर जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगी जो कि जो हमारी हीप अकॉर्डिंग टू द मैक्स हीप प्रॉपर्टी वो जो ऑलरेडी हम रूट वैल्यू जो हम रिमूव कर चुके हुए हैं जो कि जिसको कि हमने पहले n माइनस वन पर प्लेस किया है वो उसका कोई चिल्ड्रन होगी लेफ्ट राइट या लेफ्ट उसका चिल्ड्रन होगी. तो उसको अब हम उस मैक्सिमम एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी उस पे जो है हम यानी कि जो n माइनस टू होगा उस पे हम स्टोर करेंगे. आफ्टर रिमूविंग ईच ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज इन द इंटर्न द अरे विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम रिमूव करते जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हीप भी एम्प्टी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि जो हमारी एरे है वो लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है वो वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्ट हो चुकी होगी. तो ये उसकी एग्जांपल है, ये हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं और इसमें आप देखेंगे दिस इज़ द एरे और हमने इसको सॉर्ट इस तरह से किया है कि आप ये देखेंगे सबसे पहले जो बाइनरी ट्री के हमने हिसाब से सॉर्ट किया है तो उसमें हमने क्या है कि जो लेफ़्ट सब ट्री होगा उसमें वो तमाम वैल्यूज़ होंगी जो कि 73 से कम होंगी और राइट सब ट्री में वो वैल्यूज़ होंगी जो कि 57 से ग्रेटेस्ट होंगी. तो अब हम देखेंगे हमने इसको इस तरह से किया है कि जो 73 से जो नेक्स्ट हमने लिया 6 से लोएस्ट है तो इधर आ गया और इसी तरह से जो है वो हमने इसको 57 लिया तो उसको हमने इसके लेफ़्ट साइड पे कर दिया और उसके बाद फिर हमने जो है 88 लिया, 88 जो है वो 6 के लेफ़्ट पे आ गया और इस तरह से 60 जो है उसके राइट पे आ गया. ये हमने इसको जो है बना लिया. अब हमने क्या करना है कि इससे हीप जो है वो बिल्ड करनी है और हीप इस तरह से बिल्ड करनी है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे उसको हमने सेलेक्ट करना है और वो उसको हमने रूट बना लेना है और उसके बाद फिर हमने लेना है कि उससे नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं. तो वो हमने जो है वो लेनी है. 88 के बाद 85 है, ये एल्गोरिदम इसको खुद ही आइडेंटिफाई करेगा और उसको जो है उसका राइट लेफ्ट जो है लेफ्ट चाइल्ड जो है वो बना देगा. इसी तरह से जो सेकेंड थर्ड हाईएस्ट होगी वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगी और इसी तरह से जो है वो वैल्यूज़ वन बाई वन जो है वो पिक करते जाएंगे और उसको जो है इस तरह से ट्री में. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लेफ़्ट मोस्ट जो लीफ है ये लोएस्ट इसकी इसकी जो है वो वैल्यू है, दिस इज़ दी लोएस्ट वैल्यू. और उसके बाद जो है फिर वो जो नेक्स्ट है वो फिर ये जो है ये हमारे पास जो है वो लोएस्ट वैल्यू जो आ गई है. पहले ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस जगह पे थी. अब हमने क्या करना है कि हमने इसको इस तरह से करना है कि इसमें से एक वैल्यू हीप में से रिमूव करनी है और उसको जो है ये हमारे पास ये वाली जो पोजीशन है दिस इज़ एन माइनस वन पोजीशन. तो हमने देखा था कि ये हाईएस्ट. अब आप किसी भी नोड को लें तो अगर आप उसको देखें तो ये उस प्रॉपर्टी को ये वाला जो ट्री है बिकॉज दिस वाज द ओरिजिनल ट्री यहाँ पे हमने मैक्स ही प्रॉपर्टी जो है वो अभी अप्लाई नहीं की थी. तो इसमें ये था कि इसमें जो है वो अगर आप इस ट्री का कोई भी चाइल्ड लेंगे कोई भी नोड लें जैसे ये नोड लेते हैं और इसके दोनों चाइल्ड को देखें तो ये इससे वैल्यू में कम है. तो इस मीन के ये जो ट्री है ये बाइनरी ट्री ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो अब हमने सबसे पहले 88 को रिमूव किया बिकॉज दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू और उसको हमने अरे में जो है प्लेस कर दिया और अब हमने बाकी ट्री को जो है वो इस तरह से एडजस्ट करने के वो स्टिल मैक्स हीप को जो है वो फॉलो कर रहा. उसके लिए हमें कुछ नोड्स को जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा. जैसे आप देखें कि पहले जो है वो 73 जो था ये 85 का चाइल्ड था, इसका राइट चाइल्ड था, लेकिन अब जो है वो 73 इटसेल्फ नोड बन चुका हुआ है और 72 और 60 जो है इसके दो राइट और लेफ्ट चाइल्ड बन चुके हैं और ये दोनों जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि इसके जो चाइल्ड हैं दोनों वो उनकी वैल्यूज हैं वो 73 से
कम है। इस तरह से हमने नेक्स्ट हाईएस्ट को, अब ये जो 85 है ये रूट बन चुकी हुई है, इट इज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आफ्टर 88, तो उसको हमने ये जो है ये एन माइनस टू है यहाँ पे कर दिया। इस तरह से हम वन बाई वन जो है वो वैल्यूज रिमूव करते जाएंगे, 83 को करेंगे, 83 के बाद 73। और ये इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी भी नोड को रिमूव करते हैं रूट को, तो जो रिमेनिंग ट्री है दैट शुड स्टिल फॉलो सेटिस्फाई द मैक्सिम प्रॉपर्टी। तो अगर आप देखें कि जब भी हम कोई नोड रिमूव करते हैं जो बाकी का ट्री रह जाता है वो फिर भी जो है वो मैक्सिम प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा होता है। तो अब आप देखें कि यहाँ तक जो है अगर आप देखें तो दीज आर टॉप हाईएस्ट टॉप थ्री हाईएस्ट इंडेक्स। तो ये आप देखेंगे इसमें जो है वो हमारे पास तीन सबसे बड़ी वैल्यू हैं, 88 है, उसके बाद फिर उससे जो छोटी 85 और फिर 83 जो है ये हमारे पास है। नेक्स्ट जो है 73 आएगा, 73 के बाद 72, और इस तरह जो है ये फाइनली जो है जब ये हीप जो है ये एम्प्टी हो जाएगी तो ये जो हमारी अरे है ये जो अरे है ये सॉर्टेड होगी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज है वो सॉर्टेड होगी। तो इस तरह से हम इसको जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है, सबसे पहले आपने हीप बनानी है तो उसकी जो कॉस्ट है वो थीटा एन है, और फिर उसके बाद आपने एन डिलीशंस करनी है और मैक्सिमम एलिमेंट्स तो वो लॉग एन टाइम्स होंगी, तो टोटल कॉस्ट है वो एन लॉग एन जो है वो आपकी आएगी। ये जो हमने अभी शुरू में भी डिस्कस की थी, बिल्डिंग द हीप इज रिलेटिवली चीप, रिक्वायर थीटा एन टाइम, और उसके बाद जो है रिमूविंग द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द हीप रिक्वायर्स थीटा ऑफ लॉग एन। दैट्स व्हाई वी विश टू फाइंड द के लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन एन अरे, वी कैन डू दिस थीटा ऑफ एन प्लस के लॉग एन। के का मतलब ये है कि अगर आप सारे नहीं ढूंढना चाहते, आप कहते हैं कि जिस सिर्फ जो टॉप 5 हैं या टॉप 10 हाइस्ट एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए जो वो हमें ये होगा कि सबसे पहले हमें ये हीप तो बिल्ड करनी पड़ेगी हमें, उसकी कॉस्ट जो है वो थीटा एन है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है वो हमने कहा था कि जी लॉग एन है उसके डिलीशन है, तो यहाँ पे हम डिलीशन जो है वो हम सारी तो नहीं कर रहे, हम जो है वो के कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको के से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इफ़ के स्मॉल दिस इज़ अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड द के लार्जेस्ट एलिमेंट्स यूजिंग वन ऑफ द अदर सॉर्टिंग मेथड डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो ये जो है ये ईजी, रिलेटिवली ईजी है। अगर आपको कोई फर्स्ट फाइव अगर 100 एलिमेंट्स हैं उसमें से आप टॉप 10 एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी क्विकली जो है ये आप परफॉर्म कर सकते हैं, और इसकी जो रनिंग टाइम है कम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी कम होगी। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है जो सर्चिंग एल्गोरिथम डिस्कस करना है, दैट इज़ द बिन सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। तो एक्चुअली ये दोनों बेसिक जो टेक्निक है बिन सॉर्ट है, बिन सॉर्ट की ही एक फर्दर मॉडिफिकेशन है, दैट इज़ द रेडिक्स सॉर्ट। तो बिन सॉर्ट को हम इसकी एक इसको हम देखते हैं कि इसका एक कॉमन हम इसका एक देखते हैं कैसे हम इसको जो है ले सकते हैं। तो इमेजिन दैट पास्ट ईयर यू हैव पेड वेरियस बिल्स, जैसे टेलीफोन का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, बट आपने उसको सॉर्ट नहीं किया हुआ है एंड दे आर पाइल्ड टुगेदर, वो एक ही फाइल में या एक ही बिन में जो है वो पड़े हुए हैं। नाउ ईच ईयर नाउ द ईयर हैज़ एंडेड एंड इट्स टाइम टू सॉर्ट ऑल ऑफ दिस पेपर्स बाय व्हाट द बिल वाज फॉर। तो आपने उसको इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि ये फ़ोन का बिल है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या रेंट का बिल है या वाटर का बिल है या गैस का बिल है, तो आपने पहले ये उनको अलहदा करना है और उसके बाद फिर आपने उसको डेट वाइज उसको सॉर्ट करना है। तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप इस तरह से करेंगे कि तीन या चार आप बिन बनाएंगे, एक बिन में आप फ़ोन के बिल डालते जाएंगे, फिर दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी के और तीसरे में रेंट के या पानी के या गैस के बिल डालते जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर ये होगा कि जो सेकंड पास होगा उसमें आप उनको डेट वाइज जो है वो उनको सॉर्ट कर लेंगे। अ प्रीटी नेचुरल अप्रोच इज़ टू मेक सम स्पेस ऑन द फ्लोर एंड एज यू गो थ्रू द पाइल ऑफ पेपर पुट द फोन बिल इनटू वन पाइल, इलेक्ट्रिक बिल्स इन एन अदर, पानी का बिल जो है वो अगली पाइल में होगा, और उसके बाद फिर गैस का बिल अगली में, इस तरह से जो है फ़ोन का बिल अगली में, इस तरह से जो है वो होगा। वंस दिस इनिशियल असाइनमेंट ऑफ बिल्स टू पाइल्स इज डन इन वन पास, यू कैन सॉर्ट ईच पाइल बाय डेट रिलेटिवली क्विकली बिकॉज दे ईच आर फेयरली स्मॉल।
तो आपने अगर एक साल में 12 टेलीफोन के, 12 इलेक्ट्रिसिटी के और 12 वाटर के, 12 गैस के लिए, तो दे आर टोटली 48। तो अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि बिन्स को एलोकेट करना पड़ेगा। तो 4 बिन्स बना के उसमें आप बिल डालते जाएंगे। उसके बाद हर पाइल में से, हर उस ढेर में से आपको सिर्फ 12 बिल होंगे, और 12 बिलों को आपको जो डेट वाइज सॉर्ट करने में ज़्यादा रिलेटिवली आसानी होगी, कि इसकी बजाय कि आप 48 बिल्स को एक साथ जो है वो सॉर्ट करने की कोशिश करें। दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड बिन सॉर्ट। तो इसमें हम करते हैं कि इन वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ बिन सॉर्ट, की वैल्यूज़ आर यूज टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड इन फाइनल सॉर्टेड अरे। यूज़ ऑफ की वैल्यूज़ टू असाइन रिकॉर्ड टू द बिन्स सॉर्ट्स रिकॉर्ड मच मोर क्विकली टेकिंग ओनली थीटा ऑफ एन टाइम्स। तो हम ये करते हैं कि पूरे रिकॉर्ड को चेक नहीं करते, तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम जो है वो उनके जो की वैल्यूज़ हम उसको उसी को चेक करते हैं, और रिकॉर्ड्स को अपनी जो उनकी की वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उसको जो है वो सॉर्ट कर देते हैं। द सिंपलेस्ट एक्सटेंशन इज़ टू अलाउ फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज़ अमोंग द कीज। तो ये उसकी एक एक्सटेंशन हो सकती है। दिस कैन बी डन बाय टर्निंग अरे स्लॉट्स इनटू आर्बिट्री लेंथ बिन्स बाय टर्निंग बी इनटू एन अरे ऑफ लिंक लिस्ट। इन दिस वे ऑल रिकॉर्ड विद की वैल्यू आई कैन बी प्लेस्ड इन द बिन बी ऑफ आई। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम एक अरे लेंगे, और हर अरे जो है वो कोरस्पॉन्ड करेगी किसी न किसी की वैल्यू के। और हम उसके बाद क्या करेंगे, जैसे अभी हमने देखा था कि बेसिकली हमने टेलीफोन का बिल, अब टेलीफोन का बिल जो है वो रिपीट हो सकता है, उसमें मंथ डिफरेंट होगा, लेकिन उसमें जो है वो जो उसकी कैटेगरी है वो टेलीफोन की होगी, वो रिपीट हो सकता है। तो हमने एक उसके लिए अलहदा से एक बिन बनाया, हमने कहा कि इस बिन में सिर्फ टेलीफोन के बिल जो है वो जाएंगे, और दूसरे बिन में इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये एक अरे बना सकते हैं, और जिनकी जिनकी की वैल्यूज सेम है जिन रिकॉर्ड्स की, तो हम उसको उसके कोरस्पॉन्डिंग बिन में जो है उसके अंदर हम इंसर्ट करते जाते हैं। सेकेंड एक्सटेंशन अलाउज फॉर की रेंज ग्रेटर देन एन। मतलब ये है कि जितने हमारे रिकॉर्ड्स हैं उससे ज़्यादा जो है हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ एन रिकॉर्ड्स माइट हैव कीज़ इन द रेंज 1 to n, यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड तो n है लेकिन जो कीज़ की रेंज है वो 1 से लेकर n तक, 2n तक है, यानी कि डबल है उससे। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट ईच पॉसिबल की वैल्यूज हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग बिन इन बी। तो ये है कि हमारे पास जितनी वैल्यूज़ की टाइप्स हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उतने हमारे पास जो हैं वो बिन होना चाहिए। बी यहाँ पे बी जो है ये बेसिकली एक अरे है, और इसको इस तरह से आप जो है ना वो ले सकते हैं कि इसमें डिफरेंट बिन्स बने हुए हैं लाइक दिस वन, और हर बिन जो है वो एक की रेंज से जो है कोरस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे अगर हमने बिल्स का लिया था तो हमने कहा था कि दिस इज़ फॉर फोन, ये फ़ोन के लिए है, और ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, ये वाटर के लिए है, ये गैस के लिए, इस तरह से हम इसको जो है वो ले रहे हैं। द विजन ऑफ बिन सॉर्ट, द बिन सॉर्ट कैन सॉर्ट एनी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड हुज की वैल्यूज फॉल इन द रेंज फ्रॉम 0 to max की वैल्यू माइनस 1। मैक्स की वैल्यू जो है ये हमारे रिकॉर्ड्स की मैक्सिमम वैल्यू है, और हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो की वैल्यूज की जो रेंज है वो 0 से लेकर मैक्स वैल्यू तक, ये मैक्स की वैल्यू जो है ये एक वेरिएबल के तौर पर ले रहे हैं हम इसको। द टोटल वर्क रिक्वायर्ड इज सिंपली दैट नीडेड टू प्लेस ईच रिकॉर्ड इन टू द अप्रोप्रिएट बिन एंड देन टेक ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स आउट ऑफ द बिन। वी नीड टू प्रोसेस ईच रिकॉर्ड ट्वाइस फॉर थीटा एंड टाइम। तो पहले हम उसको जो है वो बिन्स में रखेंगे, और फिर जब हमारे पास हर बिन में रिकॉर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनको फिर किसी ऑर्डर में जो है उन रिकॉर्ड्स को जो है हम सॉर्ट कर लेंगे। हर दफ़ा हमें जो है वो थीटा एंड काम जो है वो करना पड़ेगा। बिन सॉर्ट मस्ट लुक एट ईच ऑफ द बिन्स टू सी इफ इट कंटेन्स अ रिकॉर्ड, एंड द एल्गोरिथम मस्ट प्रोसेस मैक्स की वैल्यू बिन्स, यानी कि नंबर ऑफ बिन्स जो हैं वो उतने होंगे कि जितनी हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यूज हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मैनी एक्चुअली रिकॉर्ड्स होल्ड। तो हो सकता है कि कुछ बिन्स हैं वो एम्प्टी हों, कुछ बिन्स में कोई भी रिकॉर्ड है उसके अंदर नहीं हो। इफ़ मैक्स की वैल्यू स्मॉल कम्पेयर टू एन, देन दिस इज़ नॉट एन ग्रेट एक्सपेंस। सपोज दैट मैक्स की वैल्यूज एन स्क्वायर। तो हमने कहा था कि ये जो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ बिन्स हैं, ये नंबर ऑफ की वैल्यूज, पॉसिबल की वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ एक्चुअल रिकॉर्ड से ज़्यादा है।
तो अगर तो कम है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, बट इफ़ दे आर ग्रेटर देन, यानी कि जो मैक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम जो है वो एन स्क्वेयर तक हो सकती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि इन दिस केस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी थीटा ऑफ एन प्लस एन एन स्क्वेयर। तो पहले इसमें हमने ये करना है कि इसमें हमने करना है कि ये हमने बिन्स में रिकॉर्ड्स को करना है, और उसके बाद हर रिकॉर्ड में जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हमने उसको सॉर्ट करना है। तो इसलिए हमारा हमारा जो टोटल टाइम हो जाएगा दैट विल बी थीटा ऑफ एन स्क्वेयर, जो कि काफ़ी हाई टाइम है, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। दिस रिजल्ट्स इन अ पुअर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एंड एल्गोरिदम बिकम्स इवन वर्स एज द डिस्पैरिटी बिटवीन एन एंड मैक्स की वैल्यू इंक्रीज। तो ये तो इवन जो है जो हमने शुरू में एल्गोरिदम देखे जैसे इंसर्शन सॉर्ट थी, सिलेक्शन सॉर्ट थी, या बबल सॉर्ट थी, तो ये उनसे भी उनके जितनी जो है ये उनकी जितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो दैट इज़ नॉट वट वी वॉन्ट। तो हमें कोई ऐसा तरीका हमने देखना है कि हम इस जो हमारी ये जो कम्प्लेक्सिटी है जो एन स्क्वायर है ये कम हो जाए, और एटलीस्ट इतनी हो के एन लॉग अ लार्जर की रेंज रिक्वायर्स एन एक्सेप्टेबली लार्ज अरे। तो जितनी की जो की रेंज है वो बड़ी हो जाएगी हमें उतनी बड़ी जो है वो अरे ये जो बी है जो कि बिन्स की अरे है वो हमें चाहिए होगी। एंड दस इवन एक्सटेंडेड बिन सॉर्ट इज यूजफुल ओनली फॉर अ लिमिटेड की रेंज। अ फर्दर जनरलाइजेशन टू बिन सॉर्ट इज द बकेट सॉर्ट। तो हम इसको जो है ना फर्दर हम बिन को जो है ना बकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईच बिन एसोसिएटेड विद नो जस्ट अ की बट रादर देन द रेंज ऑफ की। तो अब हम हर की के लिए एक रेंज बनाने के हम क्या करेंगे कि हर एक रेंज ले लेंगे हम एक कीज़ की रेंज ले लेंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक जितनी कीज़ हैं वो इस बिन के अंदर जो है वो है, उसको हम बिन नहीं कहेंगे, उसको जो हम बकेट कह देंगे। अब बकेट सॉर्ट असाइन रिकॉर्ड्स टू बिन्स एंड देन रिलाइज ऑन सम अदर सॉर्टिंग टेक्निक टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स विद इन ईच बिन। देर इज़ अ वे टू कीप द नंबर ऑफ बिन्स एंड द रिलेटेड प्रोसेसिंग स्मॉल वाइल अलाउइंग द क्लीन अप सॉर्ट टू बेस्ड ऑन बिन सॉर्ट। तो अब हमारा सर मकसद ये है कि जो जो हमारे जो नंबर ऑफ बिन्स हैं वो कम हो जाएं किसी तरीके से, तो उसके लिए जो है वो हम सारी एफर्ट जो है वो कर। कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड विद द कीज़ इन रेंज 0 to 99। तो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जिनकी जो कीज़ है वो 0 से 99 तक जो है वो रेंज कर रही हैं। इफ़ वी हैव 10 बिन्स अवेलेबल वी कैन फर्स्ट असाइन रिकॉर्ड टू मेन बाई टेकिंग देयर की वैल्यूज मॉड्यूलो 10। लेकिन अब हमारे पास ये 100 बेसिकली टोटल 100 रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे पास जो बिन्स हैं वो 100 नहीं है, वो हमारे पास सिर्फ 10 है। तो अब हमने इस तरह से करना है कि इंस्टेड ऑफ जो है वो कि 100 बिन्स लेने के हमने 10 बिन्स जो हैं वो लिए। अब हमने कैसे कीज़ को बिन में साइन करना है, तो हम क्या करेंगे कि हर रिकॉर्ड ये जो की नंबर है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। जब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी सिर्फ 10 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, यानी रिमाइंडर हमारे पास या तो 1 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या 6, 7, 8 या 9 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि एक बकेट लेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे 0, दूसरी बकेट लेंगे उसके ऊपर लिख देंगे 1, तीसरी बकेट के ऊपर 2, और इसी तरह से जो है वो 3। हम एक रिकॉर्ड पिक करेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसको इस बकेट में डाल देंगे, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो हम उसको इस बकेट में डाल देंगे, इसी तरह से अगर जो है वो रिमाइंडर 3 आता है तो हम उसको इस बकेट में डाल देंगे, अगर रिमाइंडर 6 आता है तो हम उसको इस बकेट में डाल देंगे जिसके ऊपर हमने 6 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें जो है वो ये करना पड़ेगा कि हमें एक तो 10 बिन्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ 100 100 बिन्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ जो है वो हमें 10 बकेट से ही हमारा जो है वो काम जो है वो चल लेगा। ओके दस एवरी की विल बी असाइन टू द बिन मैचिंग इट्स राइट मोस्ट डेसिमल डिजिट। राइट मोस्ट उसका उसका एक और तरीका ये है कि आप इस तरह से करेंगे उसके अगर 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि हम इस तरह से लेते हैं कि 29 है, तो इसका मतलब है कि ये बिन बकेट नंबर 9 को असाइन हो जाएगा। अगर अगर जो है वो 46 है तो ये बिन नंबर 6 को असाइन हो जाएगा। ये हमें कैसे पता चला कि आप 46 को अगर 10 पे डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर है हमारे पास 6 आता है। तो जस्ट आप राइट मोस्ट बिट को देखें तो अगर वो जो भी वो है उस नंबर के बकेट में उस रिकॉर्ड को जो है वो प्लेस करते हैं।
In other words, assign the ith record from the array A to have been using the formula A of I divided by 10. If we now gather the values from the bins in order, and the result is a sorted list. तो आप अब आपके हर बकेट में जो है वो 10 रिकॉर्ड्स मैक्सिमम होंगे, तो आप उनमें से रिकॉर्ड्स को लें, उनको इजीली जो है वो आप उनकी वैल्यूज वाइज असाइन कर सकते हैं, एंड दैट विल बी मच ईजियर कि आपको 100 वैल्यूज हैं वो असाइन करनी, तो उससे ये काफ़ी आसान है। इसको जो दिस इज एग्जांपल ऑफ रेडिस सॉर्ट सो कॉल्ड बिकॉज द बिन कंप्यूटेशंस आर बेस्ड ऑन द रेडिस और द बेस ऑफ द की वैल्यूज। The total computation time is theta of n, and this sorting algorithm can be extended to any number of keys in a key range. तो इसमें भी है कि हम जितनी मर्जी अगर हम 1000 रिकॉर्ड भी करेंगे तो नंबर ऑफ जो बकेट्स हैं वो 10 नहीं होंगी, वो ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ ये होगा कि हर बकेट में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जो की रेंज जितनी मर्जी बड़ी हो जाए उससे इसको उस पर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। We simply assign the records to bin based on the key digit values working from the rightmost digit to the leftmost. If there are k digits, then this requires that we assign keys to bin k times. तो उसमें उसमें ये होगा कि हमने हमने एक्चुअली ये देखना है कि हम पहले राइट मोस्ट बिट देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट बिट को नेक्स्ट डिजिट को जो देखेंगे, और फिर उसके बाद फिर अगली डिजिट को देखेंगे। तो हम उसके 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 अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसको जो है वो बिन्स में जो है वैल्यूज़ को हम साइन करते जाएंगे। तो ये हमारे पास ये हमने दो आज दो और टेक्निक्स जो डिस्कस की हैं, और हमने इन दोनों टेक्निक में कॉमन बात देखी कि इनका जो रनिंग टाइम है दैट इज़ मच लोअर देन द एन स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक है, जो बेसिक हमने शुरू में टेक्निक सीखी थी उनसे काफ़ी कम है, हीप सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट या बिन सॉर्ट जो है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इनके इनकी जो परफॉर्मेंस का जो एम्पेरिकल कंपैरिजन है उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।